अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। आज मैं आप सबके साथ प्रॉन मंचूरियन की रेसिपी ट्राई करूँगी। इसको स्वीट एंड हॉट प्रॉन भी कह सकते हैं। तो उसके लिए पहले तो आप प्रॉन को अच्छे से साफ करके प्रॉन्स ले लें। मैंने 1 kg प्रॉन लिया था, तो इसमें से मैंने थोड़ा लाइक 350 ग्राम होगा ये प्रॉन, तो मंचूरियन के लिए मैंने उतना यूज़ किया था। ये मंचूरियन के लिए ही नहीं बल्कि यू कैन ऑल्सो हैव इट लाइक एन इवनिंग स्नैक। तो उसमें मैं थोड़ा सा 1 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। 1 tablespoon मैंने गार्लिक पाउडर डाला था, फिर चिली पाउडर 1 teaspoon और चुटकी भर मैंने हल्दी डाला था, और फिर चाट मसाला डाल रही हूँ मैं 1 teaspoon, और फिर मैं 2 tablespoon कॉर्नफ्लावर पाउडर डाल रही हूँ और 2 tablespoon मैदा डाल रही हूँ। ये सब जो है हमें अच्छे से कंबाइन करके पहले प्रॉन को फ्राई करके रख लेना है। देखिए मैंने 1 teaspoon मतलब हसबे जायका नमक डाला है और फिर इसको मिक्स कर रही हूँ। वैसे तो कुछ लोग इसको ऐसे ही थोड़ा सा वाटर ऐड करके इसका अच्छा सा एक बैटर बना लेते हैं, लेकिन मैं इसमें एक अंडा डालना प्रेफर करती हूँ क्योंकि इट इन्हेंसेस द टेस्ट। सो मैंने एक को बीट करके मैंने इसमें ऐड किया और फिर अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। अगर आपको कॉर्नफ्लोर कम दिख रहा है तो आप कॉर्नफ्लोर ऐड कर लें, अगर आपको थोड़ा सा और ड्राई दिख रहा है तो थोड़ा सा आप इसमें वाटर ऐड कर लें। तो देखिए ये रहा परफेक्ट कंसिस्टेंसी। अब इसको अच्छे से हाई फ्लेम्ड ऑयल में इसको फ्राई करना है। अगर आप इसको इवनिंग स्नैक में यूज़ कर रहे हो, चाय के साथ भी आप इसको खा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है सर्दी के मौसम में, तो ऐसे ही फ्राई करके आप खा सकते हो। वरना इसका जो है मंचूरियन बना के आप डिनर पे या फिर लंच में आप खा सकते हो, रन लंच में फ्राइड राइस के साथ खा लें। अगर डिनर के लिए बना रहे हैं तो आप चपाती या पराठा किसी के साथ भी अच्छा बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखें मैं इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। मेरा जो है इट वाज लुकिंग लाइक काजू जैसे लग रहा था, वो बहुत ही अच्छा बना था रेसिपी। तो इसको अच्छे से फ्राई कर लें, तो बैच बाय बैच आपका जितना क्वांटिटी है उतना क्वांटिटी आप फ्राई कर लें, और फिर देखें सेकेंड बैच में ऐड कर रही हूँ और फ्राई कर रही हूँ। मंचूरियन का ये है कि आपको सब कुछ रेडी रख के मंचूरियन बनाने स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप गेस्ट के लिए बना रहे हो तो आप इसको फ्राई करके रख दो, मंचूरियन का जो ग्रेवी बैटर है उसको अलग से रख दो, और फिर जब सर्व कर रहे हो तब आप दोनों को कंबाइन करके सर्व करो। तो देखिए मैंने जिस पैन में फ्राई किया था उसमें थोड़ा सा ऑयल निकाल दिया और अराउंड 2 tablespoon ऑयल उसमें छोड़ दिया, और फिर 8 to 10 cloves ऑफ गार्लिक को मैंने बारीक चॉप करके डाला है। मंचूरियन में गार्लिक चॉप करके डालना बहुत ज़रूरी होता है, वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा बस चुटकी भर कह सकते हैं हम, हाँ मैंने चिकन स्टॉक ऐड किया। अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो 1/2 teaspoon ले ले, अगर नहीं है तो स्किप कर दे, नॉट अ बिग डील। तो मैंने एक लार्ज अनियन चॉप करके रखा था, मैंने अभी 1/2 डाला है, एट दी एंड मैं 1/2 डालूंगी क्योंकि मुझे अनियन मंचूरियन में थोड़ा सा कच्चा कच्चा रहेगा तो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं एट दी एंड थोड़ा सा ऐड करूंगी। इसमें भी मैंने 1/2 teaspoon जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, और फिर 1 tablespoon सोया सॉस ले रही हूँ। आपको सब कुछ रेडी रखना है, बस फटाफट डालते जाना है क्योंकि जैसे ही आपका, देखिए मैंने चिली सॉस ऐड किया फिर टमाटो सॉस ऐड किया, बस फटाफट डालते जाएं। अगर आपका ज़्यादा गल जाएगा प्याज तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। उसके बाद मैंने फॉर स्पाइस 1/2 teaspoon चिली पाउडर लिया और 1 green chili मैंने चॉप करके डाला है, और जैसे ही ये होगा मैं मेरा जो शिमला मिर्च है कैप्सिकम है उसको डाल दूंगी, और फिर जो फाइनल मैंने कहा था कि मैं एट दी एंड अनियन डाल रही हूँ वो डालूंगी, थोड़ा सा धनिया का पत्ता डालूंगी, और देखें बन गया मेरा मंचूरियन ऑलमोस्ट रेडी। अब अगर आप चाहें तो फूड कलर ऐड कर सकते हैं, रेड चाहे तो रेड, ग्रीन चाहे तो ग्रीन, कुछ भी। उसके बाद आपको 1 tablespoon कॉर्नफ्लोर पाउडर को पानी में घोल के रख लेना चाहिए पहले से। जैसे ही ये एक बॉईल आएगा आपको कॉर्नफ्लोर पाउडर का जो स्लरी है उसको ऐड करना है, और जैसे ही ये थिक होगा आप फ्लेम को बंद कर दें, ठीक है। अगर आप तब मतलब फ़ौरन बाद ही खाने वाले हो, मैंने सॉल्ट ऐड किया है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट,
तभी खाने वाले हो तो आप कंबाइन कर दो प्रॉन्स और ग्रेवी को। अगर आप बाद में खाने वाले हो तो जब आप खाओगे उस वक्त इसको ग्रेवी को थोड़ा सा गर्म कर लेना और फिर जो फ्राइड प्रॉन्स है वो डाल के सर्व करना। थोड़ी देर हो जाएगा तो प्रॉन्स नरम पड़ जाएंगे, उतना मज़ा नहीं आएगा जितना कि क्रिस्पी प्रॉन्स के साथ मंचूरियन मज़ा आता है। तो ठीक है, अभी मैं खाने वाली थी लंच के लिए तो मैंने फटाफट ऐड कर दिया। अगर आप बाद में खाने वाले हो तो आप लेटर ऑन ऐड कर लो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद फॉर अ फाइनल टच मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है और फिर देखें मेरा प्रॉन मंचूरियन बिल्कुल रेडी है। बहुत मज़े का बना था, आप सब भी ट्राई करें और इन्जॉय करें। सी यू ऑल विद माई नेक्स्ट रेसिपी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।